वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पूरे यूपी में लगातार पॉलिटिकल पार्टियां यात्राएं और सम्मेलन के जरिए वोटरों को लुभाने में जुटी हुई हैं। और इसी कड़ी में आज से बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप करेंगे। यूपी के ओबीसी वोटर्स की संख्या 50% से अधिक है। बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा पूरे उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। आज सपा की जनादेश यात्रा शाहजहांपुर पहुंचेगी, वहीं समाजवादी पार्टी की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा आज संभल और सहारनपुर पहुंचेगी और नरेश उत्तम पटेल की किसान पटेल यात्रा आज गोंडा पहुंचेगी। तो वही 3 जिलों में आज बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम है। देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमरोहा और मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में प्रियंका 2022 की जीत का मंत्र देंगी। और आपको बताएं कि कांग्रेस प्रशिक्षण से पराक्रम महाप्रशिक्षण अभियान चला रही है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्होंने हमें अपडेट्स दी सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं और कैबिनेट की बैठक उस बारे में। अब पॉलिटिकल इन यात्राओं के बारे में और सम्मेलनों के बारे में भी उनसे जान लेते हैं। अनुभव, लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि खासकर अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो यात्राएं कर चला रही हैं, सम्मेलन कर रही हैं, उनकी सहयोगी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं और सपा की तो एक साथ कई यात्राएं चल रही हैं। कांग्रेस महासचिव भी आज सक्रिय रहेंगी, तो इन तमाम बातों में आप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रीड कर रहे हैं, किसको अंडरलाइन किया जाए? देखिए, इन सभी की जो यात्राएं हैं, चाहे सम्मेलन हो चाहे जो कुछ भी हो, प्रशिक्षण शिविर हो, सबका मकसद यही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर तक पहुंचा जाए, कैसे उन तक अपना संदेश पहुंचाया जाए और कैसे 2022 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीती जाए, वोट हासिल किया जाए ताकि सत्ता पर काबिज हुआ जाए। कांग्रेस 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश की सियासत से गायब है, कहीं पर वो नज़र नहीं आती। और लगातार अब क्या हो रहा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। प्रियंका गांधी वर्चुअली जुड़ती हैं, कार्यकर्ताओं से बात करती हैं, जो कमेटियां गठित हुई हैं उनसे बात करती हैं और उन्हें प्रशिक्षण देती कि कैसे 2022 के चुनाव के लिए तैयार होना है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को आप देखिए, हर कोने में उत्तर प्रदेश के चारों कोने में, आप पश्चिम उठा लीजिए, पूर्वांचल उठा लीजिए या फिर आप अवध का क्षेत्र उठा लीजिए, हर जगह पार्टी की जो है वो रैलियां यात्राएं निकल रही हैं। अब उनके जो सहयोगी हैं संजय चौहान, उन्होंने जो यात्रा शुरू की थी बलिया से, वो 31 को बताया गया कि अयोध्या में समाप्त हो जाएगी। अब अयोध्या के बाद वो बाराबंकी पहुंची कल और आज पार्टी की तरफ से संदेश आता है कि वो लखनऊ में समाप्त होगी जहाँ अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। तो शायद पार्टियों को लग रहा है कि हमारी जो यात्रा उसमें जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसीलिए इसे इतना कंटिन्यू किया जा रहा है। अब बीजेपी का ओबीसी मोर्चा को आप देखिए, वो भी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, अयोध्या से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी फोकस है कि कैसे ओबीसी का 50% से ज़्यादा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए सबका फोकस ओबीसी पर भी है। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वो एक किसान पटेल यात्रा पर निकले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो चौथा चरण चल रहा है उसमें आज देखिए एक साथ चार जिलों की वो अपना संगोष्ठी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये लाजमी भी है क्योंकि 2022 का चुनाव इस बार बेहद महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, और कोई चाहेगा वो रिपीट करे और विपक्ष चाहेगा कि वो कमबैक करे। तो देखना होगा अनुभव कि कितना असर पड़ता है इसका। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।